हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास रहने वाले फोर इंट्राडे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस साथ में। तो निफ्टी को अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये अपने डबल बॉटम के सपोर्ट के पास में आने के बाद यहाँ पे एक आप लोगों को बेस फॉर्मेशन बनाता हुआ दिख रहा है, जिसे हम लोग डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं। तो जैसे ही हमें इस वाले एरिया का अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो पूरी उम्मीद रहने वाली है कि निफ्टी यहाँ से अपसाइड पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसने डबल बॉटम के पास में आया कंसोलिडेशन देना शुरू करा है, जो अपसाइड के लिए काफी अच्छी पॉसिबल चीज मानी जा रही है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं 30 मिनट से टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो काफी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट देता रहती है, जिसको इसने फर्स्ट टाइम वहाँ पे दिया था, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे, और यहाँ से काफी अच्छा फॉल मिला था। और अब 4 टाइम भी इसी के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही निफ्टी इस वाली ट्रेंड लाइन को अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को यहाँ से एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जिसको आप लोग आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। और निफ्टी अगर यहाँ पे आगे कुछ कंसोलिडेशन देके ब्रेकआउट दे तो काफी अच्छा रहने वाला है, जिसके बाद ही काफी अच्छा अपसाइड का मूव दे सकता है। और अगर निफ्टी यहाँ से अपसाइड आने के बाद आप लोगों को यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिल जाता है तो आप लोग इसको डाउनसाइड के लिए यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, जब भी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसने भी यहाँ पे आकर एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन बना रहा है, जो यहाँ से अपसाइड के लिए काफी अच्छा मूव कैप्चर हो सकता है अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है अपसाइड। तो अब हम इसको भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इसको भी अगर आप लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम निफ्टी की तरह इसने भी यहाँ से सेम फॉर्मेशन बनाई है, जिसको ये ट्रेंड लाइन को अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो आप लोगों को अच्छा मूव यहाँ से कैप्चर हो सकता है, और कुछ कंसोलिडेशन के बाद दे सेम तो काफी अच्छा आप लोगों को मूव अपसाइड का कैप्चर होगा। और निफ्टी की तरह सेम अगर इस ट्रेंड लाइन से आप लोगों को रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो आप लोग यहाँ से इसको शॉर्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले इंट्राडे स्टॉक्स की। तो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक होने वाला है अंबुजा सीमेंट, जिसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्निंग फॉर्मेशन बनी है, जिसको आप लोग देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली स्क्वीज होता जा रहा है, इसका चार्ट बहुत अच्छे से स्क्वीज हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ से हमें इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर डाउन साइड मिलता है तो हम लोग इसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये आप लोगों को तुरंत इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, आप लोग अगर सेफ ले रहे हैं तो इस वाले एरिया के ऊपर इसको ट्रेड करें तो वो ज़्यादा सेफ रहने वाला है। और अगर डाउनसाइड का ट्रेड करना है तो आप लोग इस वाले एरिया के ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करें तो वो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अपसाइड और डाउनसाइड के लिए ये दोनों लेवल काफी अच्छी रहने वाली है इसके लिए। तो हमारा सेकंड इंट्राडे स्टॉक्स रहने वाला है एशियन पेंट, जिसमें इसका एक काफी अच्छा जोन निकल के आ रहा है, जिसको एक काफी अच्छे रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे कंटिन्यूसली इसको काफी बार रिस्पेक्ट देता हुआ आ रहा है, 5 to 6 times ने इसको रिस्पेक्ट दे दिया है, और अब यहीं पे आकर कंसोलिडेशन दे रहा है। तो जैसे ही इसका आप लोगों को अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो आप लोग इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और रिवर्सल के लिए अगर आप लोग चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए आप लोग इसको जरूर रखिएगा। तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है एलएनटी, जिसको अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये काफी अच्छे अपने सपोर्ट के एरिया के पास में आकर के निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह अपना एक बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम लोग डब्लू पैटर्न भी कह सकते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा बेस बना रहा है। तो अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लें तो हम लोगों को सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह हमें इसका चार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें ट्रेंड लाइन निकल के आती है, जिसको ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, इसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यहाँ पे करा था, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम यहीं पे टेस्ट करने का, इसने यहीं पे क्लोजिंग दिया। तो जैसे ही मैं इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसने सपोर्ट से आकर के रिवर्सल लिया डेली टाइम फ्रेम में। तो हमारा फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक होने वाला है HDFC AMC, जिसमें डिसेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसको अपसाइड यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो आप लोग इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर ये जोन का ब्रेकडाउन दे देता है तो आप लोग उसको डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जिसके बाद ये आप लोगों को काफी अच्छा मूव दे सकता है। तो ये थे हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए फोर इंट्राडे स्टॉक्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना सजेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपको ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।